अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमारा, वेलकम करता हूं आपका इस न्यू रेवन टीवी की वीडियो में। तो गाइस, मिर्ज़ा अली की इस वीडियो में बात हो रही है कि भाई जितने भी मुनाजरे मुझसे करना चाहते हैं उनको जवाब दिया है। अब ये जवाब क्या लिखा, तो ये है मुनाजरा करने वाले को जवाब। अभी क्या जवाब है, हाँ में है कि हाँ भी मुनाजरा करूंगा या ना में है क्योंकि भाई मैं नहीं करूंगा। चेक करते हैं क्या सीन है, स्किप नहीं करें वीडियो पूरी, देखने मजा आएगा। जिसने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट पर अपना जरूर हमें दिया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फिर कहने लगे मैं अगर आपकी इंजीनियर के साथ एक मीटिंग करा दूं, मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तीनों फिरकों के देवबंदी, सुन्नी और वहाबी, तो उनके मौलवियों की सारी बातें उन्होंने रिकॉर्ड की इस वीडियो में। ये तो हमारी बचपन की ख्वाहिश है। तो मैं इस पे ये दावत देना चाहता हूं कि मिर्जा साहब हां करें, वो या तो एक दो लोगों के साथ पिंडी मेरे पास आ जाए, सही, या मैं एक दो लोगों के साथ जेलम उनके पास आ जाऊं। और कोई जेलमी हो या कोई फैसलाबादी हो या कोई झालवी हो, अल्लाह के फजल करम से उनको ललकारते रहेंगे, उनकी आंखों में आंखें डालते रहेंगे, मरते दम तक अजमत रसूलुल्लाह के ऊपर और अजमत सहाबा के ऊपर इनको मुबाहले का चैलेंज देने के लिए तैयार हैं। जब चाहो हमारे मरकज में आओ, जब चाहो हमें जेलम में बुला लो। तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निशाना व निशाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फलनजल लानतल्लाहिल कादिबीन। हमें तुम तुम्हें जिंदगी के आखिरी सांस तक मुबाहले का चैलेंज देते हैं। इसलिए आप देखते हैं किसी बड़े आलिम ने फतवा नहीं दिया अभी तक मेरी किसी बात के ऊपर। बताएं ये सारे बचूंगड़े हैं, मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं। ये कहते हैं ना कि हमारे क्लिपों का जवाब दे, मैंने आपके अभी ना आने वाले क्लिपों के भी जवाब दे दिए हुए हैं। आज भी तबीयत साफ की है ना मैंने नासबियों की, तो मैंने तो जवाब पहले दे दिए हुए। फिर भी किसी को शौक है ना, तो मैं एक छोटी सी शर्त रख रहा हूं आपके सामने कि जिस बात का आप मुझसे जवाब लेना चाहते हैं ना, अपने फिरके के सबसे बड़े मुफ्ती से, प्लैनेट अर्थ पे जो आपका मुफ्ती आजम है, एक छोटा सा क्लिप बनवा दें कि जी मैं खुद तो नहीं आना चाहता लेकिन मैंने ये बच्चा लॉन्च किया है, यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहें कि ये फुला मौलवी मेरी तरफ से है, इसकी जीत मेरी जीत और मेरी जीत देवबंद की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार देवबंद की हार। ये बंदा मेरे बयाब पे इंजीनियर से सवाल करता है, इंजीनियर वीडियो में जवाब दे, सरकार में जवाब दूंगा, टाइम क्यामत तक जे कोई सामने नहीं आएगा। हां बरेलविया ने जवाब लेना है सरकार, कोई मुश्किल नहीं है, तुहाडे ते मुश्किल वक्त आ पिया है। हमारे साहबा इकराम पे जब मुश्किल वक्त आया था, 12,000 के लश्कर में से सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए थे, बुखारी मुस्लिम में आया गज़वा हुनैन में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फ्रंट से लीड किया था। अनन नबी युला कदीब अरबनु अब्दुल मुत्तलिब, आप आगे आए थे, तो तुसी भी अगे आओ सरकार, अपने अपने फिरकों के वड्डे वड्डे मौलवी, क्योंकि तुहाडे फिरके दी शिकस्त खा गए ना, आओ वड्डे वड्डे मौलवी, मुफ्ती मुनीब साहब आन फ्रंट तो लीड करन और कहन के ए मौलवी जिहड़ा ना ये मेरा रैप है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार। इंजीनियर जवाब दे इसका वीडियो में, सरकार इंजीनियर साहब अगले दिन का सूरज भी तुलू नहीं होने देंगे और जवाब देंगे इंशाल्लाह, टाइम क्यामत तक जे। अवाबियन भी शौक है, तुसी भी जनाब हाफिज सईद और साजिद मीर साहब नू लै जाओ, ठीक है, ते जो जो कहना है उन्होंने मुंह तो एक बार कलवा दो, लै लो जवाब मेरे को, मुझे भी फायदा होना सरकार। इंज तो ना करो जनाब के गुली डंडे की टीम का मुकाबला आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम नाल कराने लगे हो, जिन्हें सब तो ज्यादा दफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ये तो दुनिया की कोई अदालत नहीं मानेगी ना यार। आप कहें ना जी मैं इधर, आप बैठ के जो है वो चैलेंज करें जी, जो है साढ़े मशीन मल्ले की टीम है ऑस्ट्रेलिया, तू आ जा खेल ले मैच, खेलेंगे या ऑस्ट्रेलिया के किसी गाँव की टीम जो है वो पाकिस्तानी टीम को चैलेंज करती फिरे, वो कहेंगे यार कोई, इवन यहां तक भी होता है कि वो ए टीम आती है और वो कभी वो एक सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे मेन टीम से मैच खिलाते हैं, वरना ए टीम का ए टीम के साथ मैच होता है, इस तरह दुनिया में कहीं भी नहीं होता। फिर भी मैंने देखे एक ऑफर दे दी हुई है कि ठीक है अगर किसी को शौक है ना, कि ये जो बंदा है इसके इल्मी दलायल इतने साउंड है कि इंजीनियर साहब ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया, सरकार इस वजह से नहीं दिया, ना 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 इस वजह से नहीं दिया कि मुझे उसमें से फायदा क्यों नहीं होना, फायदा तो मुझे तब है कि जब आपका बड़ा कह दे। वहां तकी उस्मानी साहब कुछ अरसा पहले देवबंद मदरसे गए हैं, आप इस्तकबाल देखें उनका, वो इस तरह समझे जैसे इमाम हनीफा कब्र से निकल के आ गए हैं एक घंटे के लिए, एन जो उन्होंने प्रोटोकॉल देता है।
तो सरकार मैं दसो तकी उस्मानी साहब अगर खुद क्लिप रिकॉर्ड कराण या कोई मौलवी लांच करन के ए मेरा रैप जे इदी आर मेरी आर है सरकार फिर तो ठीक है फिर कादसिया हो जाएगी। हाँ इन्नी बैटल फील्ड क्यों लड़नी है नहीं कादसिया ही लड़ा ना ठीक है ना तो बरेलविया ने अगर मुफ्ती मुनीर साहब ये कह दें तो सरकार एक जरमू की लड़ा इन छोटी छोटी जंगा क्यों लड़निया ने फैसला हो किड़ा पीना पा के बह जाइए फैसला हो जाए ना तो इसलिए मैं जवाब नहीं देता अदरवाइज जवाब तो सरकार इनका हाल है ये हमारे स्टूडेंट्स की बात का जवाब नहीं दे सक रहे और तो और छोड़ लें एक आए थे एक हदीस नहीं पेश कर सके कि नबी इस्लाम की कब्र मुबारक जो है वो अल्लाह की अर्श कुर्सी से अफजल है टाइम क़यामत तक जे। तो जी गाइस कैसे लगी मेरी वीडियो मुझे पसंद आई होगी मेन के बात वही कर रहे हैं कि भाई जिसने भी मुझसे मुनाजरा करना है वो खुद आना मतलब जो सबका जो भी ओनर है सब फिरकों का वही है अगर वो नहीं तो कोई छोटा है लेकिन अगला कहे कि भाई अगर ये हारा तो हम मतलब हम हारे अगर ये जीता तो मतलब हम जीते तो मिर्जा अली साहब जवाब देंगे लेकिन वीडियो के अंदर लाइव बैठ के अवाम के अंदर मुनाजरा नहीं होता इनका ना इन्होंने करना है पता नहीं क्यों नहीं करना ये इनको पता हो कमेंट में अगर आपको पता है तो बताएं मैं जरूर कि लाइव क्यों नहीं आती कि पब्लिक में बैठते क्यों नहीं है ना कि बाहर निकलते हैं जस्ट वीडियो वीडियो में बात करनी है और किसी तरीके से बात नहीं करनी तो मैंने बताया कि यार बाकी ही कोई मुनाजा करना चाहता है या ये नहीं कर रहे या वो नहीं कर रहे क्या सीन है आपने मैं खुद बताना कमेंट में अपनी राय भी जरूर देनी है। तो मेरे को तो मेरी वीडियो को पसंद आई तो उसको लाइक करें कमेंट करें मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलता हूँ अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।